कहानी तो रियल थी लेकिन सीन बिल्कुल फिल्मी जैसा ही था। साउथ की फिल्मों की सनसनी रकुल प्रीत सिंह मुंबई में अपने घर से निकली और सुबह करीब 10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पहुंच गई। अमूमन जहां हीरो हीरोइन की गाड़ियां रुकती हैं वहां फैंस की भरमार होती थी, लेकिन यहां तो मीडिया के कैमरे तने थे और माइक अड़े थे। रकुल प्रीत सिंह देखिए, गाड़ी के अंदर रकुल प्रीत सिंह बैठी हुई हैं। मेरे कैमरा पर्सन राजू इनाम तार दिखाएंगे, गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी हुई हैं, काले रंग के गॉगल्स लगाए हुए हैं लेकिन कैमरा की तरफ देखने से इनकार कर रही हैं। रकुल, पंकज उपाध्याय आज तक से कुछ जवाब देना चाहेंगी? गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, एनसीबी के सामने आज आपको पेश होना है, कुछ जवाब देना चाहेंगी? रकुल को जवाब देना। देखिए, रकुल प्रीत सिंह बैठी है इस वक्त गाड़ी में, कैमरे की तरफ देखने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं। रकुल प्रीत सिंह बिना एक भी पल की देरी किए गाड़ी से उतरी और सीधे गेस्ट हाउस के लिए भीतर पहुंच गई। यहां लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया से अलग एनसीबी के पास सवाल थे जिनका जवाब रकुल प्रीत को देना था। 4 घंटे तक रकुल प्रीत से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने इस पूछताछ में कई बात कबूल कर ली। मसलन रकुल प्रीत ने कबूल किया कि रिया चक्रवर्ती से उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट किया था। रकुल ने कहा कि साल 2018 में उन्होंने रिया के साथ ड्रग को लेकर चैट की थी। रकुल प्रीत ने एनसीबी को बताया कि रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रिया का यह सामान उनके घर में था। रकुल प्रीत ने कहा कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, इसके लिए वो किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है। रकुल प्रीत ने कहा कि जिन ड्रग्स पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है उनसे वो कभी नहीं मिली। हम आपको बता दें कि रकुल और रिया की ड्रग को लेकर हुई चैट एनसीबी के पास है। रिया ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि रकुल प्रीत सिंह ड्रग्स लेती हैं। एनसीबी के सामने रकुल प्रीत सिंह ने खुद को पाक साफ बताया और ड्रग्स का पूरा ठीकरा रिया चक्रवर्ती पर ही फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह में दोस्ती थी। दोनों की कई तस्वीरें भी साथ साथ हैं। रकुल प्रीत ने साफ कहा है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था, वो तो रिया ने ही उनके घर में ड्रग रखे थे जिसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप पर चैट की थी। सवाल ये है कि जब रकुल प्रीत का ड्रग से कोई लेना देना नहीं था तो उनके घर पर ड्रग क्यों रखे हुए थे? बॉलीवुड एक्ट्रेस और रिया चक्रवर्ती की दोस्त रही रकुल प्रीत सिंह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में घंटों पूछताछ चली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि साल 2018 का रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स वाला चैट क्या आपका ही था? रकुल प्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूला है कि जी बिल्कुल, 2018 में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। दूसरा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि क्या आप कभी ड्रग्स लेती हैं? रकुल प्रीत सिंह ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच आगे भी जारी रहेगी। एनसीबी ने रकुल प्रीत से पूछताछ तो पूरी कर ली लेकिन एजेंसी को उनके बयानों पर पूरा भरोसा नहीं है। एनसीबी अभी पूछताछ का सिलसिला बढ़ाने वाली है, जरूरत पड़ी तो रकुल प्रीत सिंह को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।